अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं कढ़ी, जो कि कहते तो हैं कढ़ी वक्त में पड़ी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी कढ़ी में ज़रा भी टाइम नहीं लगता, 25 से 30 मिनट के अंदर मुकम्मल तैयार हो जाती है। ये मैंने घर की लस्सी बनाई है, पहले मैंने मक्खन बनाया है, ये देखिए मैंने मक्खन बनाया है, उसके बाद इसमें जो लस्सी थी उसमें मैंने वो डाला है, क्या कहते हैं, नमक मिर्च हल्दी, और अब मैं डालने लगी थोड़ी सी अजवाइन, जिसकी खुशबू बंदों का दिल मोह लेती है, और फिर हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। ये क्या डाला है आपने? अजवाइन डाली है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके बाद फिर इसको हम पकाते हैं, फिर जब ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर हम इसमें डालेंगे पकौड़े, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी, और आप भी बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। देखिए गाइस, कि ये बेसन का मैलोला मैं तैयार कर लिया, इसमें अब हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्चें, हल्दी जो है कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी डाल लेनी चाहिए। एक तो कलर पकौड़ों का अच्छा आता है, और तो दूसरा ये फ़ायदा बॉडी पर बहुत फ़ायदा देती है। ये साबुत धनिया, लेकिन इसको अगर कूट के डालें तो इसकी खुशबू शानदार आती है, ठीक है। नमक और मिर्च, बस भी जायका स्पाइसी बनाए पकौड़े, ज़रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं। फिर जब हम बघार लगाएंगे, ये अजवाइन थी, अजवाइन थी, और ये ज़ीरा, और ये था ज़ीरा, इसकी जब बघार लगाएंगे तो फिर उसमें भी ये ऐड होगा, कड़ी पत्ता, और ये हो गया आपका। ये देखें गाइस, कढ़ी रेडी हो गई है। कढ़ी के साथ खाने करके वाले चावलों का तो अपना ही मन, कढ़ी के साथ चावलों का जो कॉम्बिनेशन है वो तो फिर बहुत ही अलग। चावलों का तड़का तैयार करने के लिए इसमें हमने नमक, जीरा और गरम मसाला ऐड किया है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह इसको भून लेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है जी। चार गिलास पानी के ऐड हो गए हैं, देखिए दो गिलास चावल के थे तो अब इसमें चार गिलास पानी के ऐड किए, ठीक है। अब जब इसको बॉईल आएगा इसमें चावल ऐड कर दें, ओके गाइस। बॉईल आ गया, अब इसमें हम चावल ऐड करने लगे हैं, ठीक है। देखिए चावल ऐड कर दिए हैं इसमें, चावल हमने कवर करके अब रख दिए, ठीक है। कढ़ी के साथ मज़ेदार तड़के वाले चावल तैयार होने जा रहे हैं, जैसे ही पानी ड्राई होगा हमारे चावल रेडी हो जाएंगे, ठीक है गाइस। पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसको दम पे रख देंगे, ठीक है गाइस। गाइस देखें चावल भी तैयार हो गए,